हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, उत्सर्जन एक्सक्रीशन। ओके, लास्ट कई वीडियोस के अंदर मैंने दो टॉपिक को कवर किया था लाइफ प्रोसेस के। फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, एंड सेकेंड टॉपिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल। इन टॉपिक को मैंने नोट्स के थ्रू आप तक पहुंचाया था। आज हम लेकर आए हैं उत्सर्जन को इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और उत्सर्जन से जुड़े हुए एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर, जैसा मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर बताया था, कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू कई वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है, या रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस फिनोमिना या इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब इनको शरीर से बाहर क्यों निकाला जाता है, कि क्योंकि कई वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अब उनको शरीर से बाहर निकालना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। सो लेट वी स्टार्ट, व्हाट इज एक्सक्रीशन। ओके, सो एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू बॉडी, और बॉडी से शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ओके, अब एक्सक्रीशन में कौन कौन से पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, कैसे पदार्थ होते हैं जो एक्सक्रीशन के थ्रू शरीर से बाहर निकलते हैं। जैसे पसीना, हमारी स्किन भी क्या करती है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है। आंखों से आने वाले आंसू, ये भी क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे नाइट्रोजनस, सम नाइट्रोजन सम कंपाउंड्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनको भी शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। ओके, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब एक्सक्रीशन में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक ह्यूमन के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो सबसे पहले बनता है स्वेट, पसीना, ठीक है। सेकंड यूरिया, जो क्या एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ओके, नाइट्रोजन कंपाउंड है या नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। थर्ड यूरिक एसिड, ये भी क्या एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। तो मेजर अमाउंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ज़्यादा मात्रा में बनने वाले क्या होते हैं, यूरिया। ओके, अब इस यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के आधार पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले एमोनोटैलिक। अब अमोनोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं, किसको, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, और ये वाटर सोलेबल होती है। तो लगभग जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या जलीय जो जंतु होते हैं, उसके अंदर किसका एक्सक्रीशन होता है, अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है। सेकेंड यूरिया, ठीक है। यूरिया भी क्या होती है, एज कंपैरिजन टू अमोनिया कम पॉइजनस होती है, और ये भी क्या होती है, वाटर सोलेबल होती है। जैसे हमारे अंदर, हमारे यूरिन के अंदर क्या होती है, यूरिया होती है। तो हम क्या है, यूरियोटैलिक एनिमल है। कौन से एनिमल है, यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं। फर्स्ट टाइप के एनिमल्स कौन से होते हैं, अमोनोटैलिक एनिमल। सेकेंड टाइप के एनिमल कौन से, यूरियोटैलिक एनिमल। थर्ड टाइप के एनिमल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है उनमें, यूरिकोटैलिक एनिमल, ठीक है। जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, तो उस प्रकार के एनिमल्स को क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल। तो अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स वेस्ट प्रोडक्ट, द एनिमल्स आर कैटेगराइज इन थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज अमोनोटैलिक एनिमल, वो एक्सक्रीट अमोनिया। सेकेंड यूरिया, यूरिकोटैलिक एनिमल, वो एक्सक्रीट यूरिया। एंड यूरिकोटैलिक एनिमल, वो एनिमल जो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिक
एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। किसका एक्सक्रीशन करते हैं? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। और यूरिक एसिड वाटर सोलेबल नहीं होता है, यूरिक एसिड वाटर सोलेबल नहीं होता, अमोनिया एंड यूरिया वाटर सोलेबल होती है। और सबसे ज़्यादा पॉइजनस क्या होती है? अमोनिया होती है। ये ज़्यादातर कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। यूरिक एसिड किसके अंदर हो जाता है? ये जो टेरिस्टियल इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर ये इस प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं यूरिक एसिड की। अब अपने मूव करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मैंने ये डायग्राम में शो किया है। एक तरफ मैंने बनाया एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके बाद किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैंने शो आउट किया है, ठीक है। तो पहले इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके फ्रेंड, यहां देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया किसका? ह्यूमन का। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं किडनी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, यानी कि हमारे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का वो कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। ओके फ्रेंड, अब ध्यान से देखिए इस किडनी के अंदर दो ब्लड ट्यूब्स आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले बोल रहे हैं इन्फीरियर वीना कावा और सेकंड होती है ओर्टा। कौन सी होती है? इन्फीरियर वीना कावा और ओर्टा। ये ओर्टा क्या करती है? किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। कौन सी ब्लड को लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। ओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आती है? किडनी के अंदर लेकर आती है। और किडनी से बाद में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर जाता है बाहर? इन्फीरियर वीना कावा लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है? इन्फीरियर वीना कावा लेकर जाती है। अब जो ये ओर्टा होती है, जैसे ये किडनी के अंदर एंटर करती है, किसके थ्रू करती है? रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। जब ये ओर्टा आती है और ब्रांचेज में बढ़ जाती है, दो ब्रांचेज में जाती है, एक ब्रांच तो राइट किडनी के अंदर जाती है, सेकेंड ब्रांच किस में जाती है? लेफ्ट किडनी के अंदर। अब ये रीनल आर्टरी अंदर जाके फिर से ब्रांचिंग में बढ़ जाती है और बहुत सारी ब्रांचेज जाके किस में बढ़ती है? कैपिलरीज के अंदर। और वो कैपिलरीज क्या होती है? किडनी के अंदर फैली रहती है। ओके फ्रेंड, अभी किडनी की जब स्ट्रक्चर करवाऊंगा उसमें बताऊंगा किस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ हो रहा है? बाहर निकल रहा है। अब ये रीनल आर्टरीज अंदर आई और रीनल वेन के थ्रू क्या हुआ? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ? बाहर निकल गया। इसके थ्रू क्या हुआ? ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड अंदर। अब किडनी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। किडनी दो भागों में मिलकर बनी होती है, कौन कौन से? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला भाग के अंदर कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, ठीक है। और इन कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन क्या होती है? द यूनिट ऑफ किडनी होती है, जहाँ ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया निकल कर बाहर आ जाती है। किसके अंदर? कलेक्टिव डक्ट के अंदर। और कलेक्टिव डक्ट किससे एसोसिएटेड होता है? इस यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे किडनी से एक स्ट्रक्चर और निकल रही है बाहर की तरफ, जिसको क्या बोल रहे हैं? यूरेटर, ठीक है। दोनों तरफ यूरेटर होते हैं, तो ये दो पेयर यूरेटर्स होते हैं, ए पेयर ऑफ यूरेटर, वन पेयर ऑफ यूरेटर। एक यूरेटर इधर लेफ्ट किडनी से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है राइट किडनी से निकल रहा है। अब ये दोनों जो यूरेटर्स हैं वो किसके अंदर आकर खुल रहे हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आकर खुल रहे हैं। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जितना भी यूरिन बन रहा है वो सभी कहाँ आके कलेक्ट हो रहा है? इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। और स्टूडेंट, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये सीधा एसोसिएट होता है किसके साथ? नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। नर्वस इम्पल्स मिलते हैं इसको, मतलब इम्पल्स ये हो गया, अभी ये पाउच अब भर गया है, अब इसको खाली करना है, तब कौन वर्क करता? यूरिथ्रा। तो ये इम्पल्सेस कहाँ से मिलते हैं इसको? नर्वस
सिस्टम से इंपल्स मिलते हैं, जो अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर, भी किस प्रकार से नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जो फर्स्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, ए पेयर ऑफ किडनी, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। सेकेंड पार्ट होता है जो किडनी का, उसको बोलते हैं यूरेटर। थर्ड पार्ट होता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। और फोर्थ जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कितने भागों से मिलकर बना हुआ, किडनी एक पेयर होती है, यूरेटर भी कितना होता है, वन पेयर होता है, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, अब अपने स्टडी करते हैं किसकी, किडनी की भी। किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने किडनी के ऊपर। अब किडनी के अंदर आप ध्यान से देखो, ये यूरेटर जो मैंने यहाँ से निकाला था, ये यूरेटर अंदर फैला हुआ है और इस प्रकार से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता जा रहा है। ठीक है, जैसे ये किडनी के अंदर जाता है और किडनी के अंदर ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही है। ठीक है, अब ये इनको क्या बोलते हैं, पिरामिड, या इनको बोल सकते हैं रीनल पिरामिड्स। क्या बोलते हैं इनको, रीनल पिरामिड बोलते हैं। अब ये रीनल पिरामिड किसके साथ एसोसिएट होते हैं, पैपिला के द्वारा। ठीक है, पैपिला के द्वारा, और इन पैपिला के ऊपर ये क्या पाया जाता है, मेड्यूला रीजन पाया जाता है, एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है मेड्यूला। और बाकी जितना भी रेस्ट पार्ट होता है, जितना भी पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो एक किडनी के अंदर कौन सी ब्लड वेसल्स आ रही है, आर्टरी। ठीक है, अब ये आर्टरी जैसे इंटर होती है अंदर, किसके अंदर, किडनी के अंदर, अंदर जाती है ब्रांचेस में बढ़ जाती है, जैसे ये ब्रांचिंग हुई और ये हर मेडुला को घेर लेती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या बनती है, कैपिलरीज की सरफेस होती है, ये कैपिलरीज हो जाती है, जो नेफ्रॉन के साथ भी क्या होती है, एसोसिएट होती है। ठीक है, ये ब्लड लेकर आ रही है अंदर ब्लड लेके आ रही है किडनी के अंदर, मेडुला और कॉर्टिकल रीजन के अंदर क्या हो रहा है, इस ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, जैसे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, रीनल विन के थ्रू बाहर निकल जाता है, इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू वापस चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी के अंदर पहुँच रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब ये रीनल आर्टरी अंदर जाके बहुत ज़्यादा ब्रांचेज में बढ़ रही है, जैसे इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ओके, अब ये जो पिरामिड होता है इसके अंदर की तरफ बेस क्या होता है, थोड़ा ऐसे वाइल्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और ये वाला जो भाग होता है पैलविस, यानी ब्रांचिंग से पहले जो रीजन होता है किडनी के अंदर, जैसे इंटर करती है क्या, यूरेटर। ठीक है, तो वो वाला पार्ट क्या होता है, पैलविस होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर किसकी हुई, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और ये किसकी स्ट्रक्चर है, किडनी की। अब किडनी के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इन नेफ्रॉन की स्टडी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, भी नेफ्रॉन में होता क्या, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इसको मैं बिल्कुल ईजी वे में आपके लिए लेके आऊँगा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को बिल्कुल ईजी वे के अंदर, यानी क्या होता है इसके अंदर, बाउमेन कैप्सूल क्या होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, पीसीटी क्या होती है, हैनलेज लूप क्या होता है, डीसीटी क्या होती है, ओके, कलेक्टिव डक्ट क्या होती है और कलेक्टिव ट्यूब क्या होती है, ये सभी देखेंगे नेफ्रॉन के अंदर। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कैसे है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट आ रहा है किसके अंदर, पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सभी फिनोमेना आपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।